सो हेलो, वेलकम फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। हेलो दोस्तों, मैं पंकज कुमार आप सभी का स्वागत करता हूँ हमारे यूट्यूब चैनल वाई टी किंग पंकज में। सो फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो है आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। अगर आप लोग अपनी वेबसाइट से ज़्यादा अर्निंग करना चाहते हो विदाउट एडसेंस। जी हाँ दोस्तों, मेरे पास बहुत सारे कमेंट आए कि भाई कोई बिटकॉइन में बताओ कोई ऐसा एड नेटवर्क जो हमें ज़्यादा अर्निंग दे। तो दोस्तों, इसी पर मैं आपको एक कंप्लीट वीडियो बना करके आज प्रेजेंट करने वाला हूं कि आप लोग ऐसा कौन सा ऐड नेटवर्क है जो आपको बिटकॉइन में अर्निंग देगा और आप उससे अच्छी खासी अर्निंग कर पाओगे विदाउट एडसेंस। ठीक है, अगर आपके पास एडसेंस का अप्रूवल नहीं है तो आप जो मैं आपको ऐड नेटवर्क है बताने वाला हूँ बहुत ही अच्छा ऐड नेटवर्क है और ये आपको बिटकॉइन में अर्निंग देने वाला है। तो जितने भी लोग ब्लॉगर पर वर्क करते हैं वो सारे इस वीडियो को देखें, और अगर आप लोगों ने मेरी वीडियोस को देखकर मूवी वेबसाइट कैसे बनाते हैं वो सीखा है तो आप भी इस वीडियो को जरूर देखना, क्योंकि मैं यहाँ पर आपके लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त ऐड नेटवर्क बताने वाला हूँ, उससे आप दोस्तों यहाँ पर दुगनी अर्निंग कर पाओगे। ठीक है, और बाकी ऐड नेटवर्क के बारे में ऑलरेडी काफ़ी कुछ बता चुका हूँ अपने चैनल पर, तो आप जा करके चेक कर सकते हो। ठीक है, तो फ्रेंड ज़्यादा देना करते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। बट उससे पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे जब भी कोई वीडियो हम फ्यूचर अपलोड करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आ सकेगा। और गाइस, अगर आपको किसी भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो आप कमेंट करके बता दीजिए, ठीक है, मैं आपको उस टॉपिक पर वीडियो बना दूंगा। बेसिकली जो वीडियो है ये एक मेरे सब्सक्राइबर एक नहीं काफ़ी सारे लोगों ने कमेंट करा था, तो डेफिनेटली मैं 100% वीडियो बना करके देता हूँ। यहाँ पर थोड़ा टाइम लग जाता है बट मैं यहाँ पर आपको वीडियो जरूर प्रेजेंट करता हूँ। ठीक है, तो दोस्तों जिस ऐड नेटवर्क के बारे में आपको बात करने बताने वाला हूँ उस ऐड नेटवर्क का नाम है ए एड्स। अभी कल ही परसों एक सब्सक्राइबर का मेरे पास कमेंट आया था कि भाई ए एड्स पर वीडियो बनाओ। तो दोस्तों सब्सक्राइबर कमेंट किया, यानी कि अच्छा लगता है फ्रेंड अगर कोई सब्सक्राइबर मुझे कमेंट करे और मुझे वीडियो बनाने के लिए कहे, तो दोस्तों एक मोटिवेशन मिलता है कि हाँ मैं उस बंदे मुझको जितने में सब्सक्राइबर है मुझको इस काबिल समझते हैं कि मैं उनको इस टाइप की जो वीडियो है वो प्रेजेंट कर सकूं। ठीक है, तो मुझे काफ़ी खुशी होती है। तो आपको जिस भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो आप कमेंट करके मुझे जरूर बता देना। ठीक है, तो आज हम बात करने वाले हैं ऐड नेटवर्क की। तो बहुत ही अच्छा ऐड नेटवर्क है फ्रेंड्स, यहाँ पर इस साइड में आपको बिटकॉइन में अर्निंग होगी। ठीक है, यहाँ पर सब कुछ कैसा क्या है सब कुछ मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, एवरेज थी पे यहाँ पर आप देख सकते हैं $0.13 का। ठीक है, यहाँ पर इंप्रेशन पर डे आप यहाँ पर सब कुछ चेक करते हैं, चेक कर सकते हैं। ठीक है, और दोस्तों इस ऐड नेटवर्क को बड़ी बड़ी जो वेबसाइट्स हैं वो यूज़ करती हैं। आपने मूवी वेबसाइट में देखा होगा URL शॉर्टनर का ट्रेंड चल रहा है, उसमें बहुत सारे लोग इसका यूज़ करते हैं, और भी बहुत बड़ी बड़ी वेबसाइट हैं जो इसका यूज़ करती हैं। ठीक है, बाकी यहाँ पर आप नीचे आ करके सारे इसके डिटेल वगैरह चेक कर सकते हो। मैं वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा तो सिंपली मैं यहाँ पर आपको बताता हूँ कि आपको सबसे पहले करना क्या है। तो इस वेबसाइट का लिंक मैंने आपको इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप डिस्क्रिप्शन में जाकर के लिंक पर क्लिक करना और डायरेक्टली आप जो है इस वाली वेबसाइट में आ जाओगे। आने के बाद सिंपली यहाँ पर आपको साइनअप का ऑप्शन दिखेगा और एक यहाँ पर साइन इन का, अगर आप ऑलरेडी साइनअप हो तो साइनअप पर क्लिक मतलब साइन इन पर क्लिक करना और लॉग इन कर लेना। ठीक है, मैं यहाँ पर शुरू से लेकर के चल रहा हूँ ताकि जो मेरे न्यू सब्सक्राइबर हैं जिनको इसके बारे में कुछ भी नहीं पता है तो वो अच्छे तरीके से समझ सकें। ठीक है फ्रेंड, मैं सबको साथ में लेकर के चलता हूँ, अगर आपको ये सब कुछ जानते हो तो आप वीडियो को स्किप कर सकते हो। ठीक है, तो फ्रेंड साइनअप पर क्लिक करने का यहाँ पर कुछ स्टेप्स इंटरफेस आ जाएगा। अब यहाँ पर आपको जो है यूज़र नेम देना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर अपने चैनल का नाम डाल देता हूँ यहाँ पर। उसका फ्रेंड्स यहाँ पर आपको अपनी ईमेल डालनी है। ठीक है, ईमेल वही डालना जो मतलब आपके एक्टिव ईमेल हो। ठीक है, तो यहाँ पर मैं ईमेल डाल देता हूँ अपनी, और ईमेल डालने का फ्रेंड्स उस पर एक OTP आएगा, इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ ईमेल ध्यान से डालना। ठीक है, तो मैंने ईमेल डाल दी है, यहाँ पर मैं डाल देता हूँ पासवर्ड। ठीक है, तो फ्रेंड्स सबको आपके सामने ही करूँगा ताकि आपको कोई मिस्टेक ना हो। ठीक है, ताकि आप अच्छी तरीके से समझ सकें। तो यहाँ पर मैंने डाल दिया है अपना पासवर्ड, ईमेल और यूज़र नेम डालने का। सिंपली यहाँ पर आई एक्सेप्ट वो क्लिक करना है, और यहाँ पर आई एम नॉट अ रोबोट ये वाला ऑप्शन यहाँ पर आपको दिखेगा, जस्ट यहाँ पर एक कैप्चा आएगा उसका वेरीफाई कर लेना है। ठीक है, तो फटाफट से मैं कैप्चा वेरीफाई कर लेता हूँ। कैप्चा वेरीफाई करने का जस्ट यहाँ पर आपको साइनअप का ऑप्शन दिखेगा, आपको इस पर क्लिक कर देना है। तो गाइस जैसे ही आप यहाँ पर साइनअप के बटन पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर कुछ स्टेप्स इंटरफेस आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पर हम पासवर्ड को सेव कर लेते हैं। अब फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ स्टेप्स आपके सामने आएगा, यहाँ पर आप जितने भी आपने अर्निंग की होगी सारी यहाँ पर आपको शो हो जाएगी। ठीक है, और यहाँ पर जो भी आपकी ऐड यूनिट होगी वो सारे यहाँ पर आपको शो हो जाएंगी जितनी आपने ऐड यूनिट क्रिएट की होंगी। ठीक है, अब फ्रेंड्स यहाँ पर आपको करना क्या है कि
यहाँ पर आप करेंसी चेक कर सकते हैं। करेंसी पे क्लिक करेंगे तो बिटकॉइन, बिटटोरेंट, बिटकॉइन कैश, बिटकॉइन डायमंड, बिटकॉइन गोल्ड वगैरह में इसमें अर्निंग कर सकते हो। तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप बिटकॉइन बीटीसी में ही अर्निंग यहाँ पर करना, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर आपको करना क्या है कि यहाँ पर आपको क्रिएट ऐड यूनिट ये वाला ऑप्शन देखिएगा, आपको इस पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको ऐड यूनिट क्रिएट करनी है। बट फ्रेंड्स यहाँ पर आप ऐड यूनिट पर क्लिक कर दोगे तो एक मतलब नेक्स्ट पेज ओपन होगा। बट उससे पहले मैं हम यहाँ पर आपके लिए एक चीज़ दिखा दूँ, जैसे कि फ्रेंड्स ये आप देख सकते हैं ये मेरी मूवी वेबसाइट है, ठीक है। ये पेज रिफ्रेश हो गया है यहाँ पर, और यहाँ पर ये जो एड्स हो रही है ना दोस्तों, ये ए एड्स ही है, ठीक है। ये वाली एड्स है जो मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ, ठीक है। तो ये एड किस तरीके से आपको शो करानी है अपनी वेबसाइट में, यही मैं आपको बताने वाला हूँ। और फ्रेंड्स ये मैंने केवल यहाँ पर ही लगाई है, मैंने कोई पोस्ट के अंदर नहीं लगाई है, तो मेरी जो है इतनी ज़्यादा अर्निंग होती नहीं है फ्रेंड्स, मैं आपको बताऊँ, ठीक है। क्योंकि फ्रेंड्स ये जो एड है ना, ये आपको हर एक पोस्ट के अंदर डालने पड़ेगी, ठीक है। यहाँ पर एक एड लगाने से काम नहीं चलेगा, आपको हर एक पोस्ट के अंदर इस एड को डालना होगा, मैं आपको पहले ही बता देता हूँ, ठीक है। तो जैसे कि मैंने आपको बता ही दिया था अपनी पिछली वीडियो में कि मैं कितने तरीकों से अपनी मूवी वेबसाइट से अर्निंग करता हूँ, सारा मैंने आपको बता दिया है, बस इस वाले ऐड के बारे में बताने को रह गया था, तो इस पर मैं कंप्लीट वीडियो बना ही रहा हूँ, आप देख लीजिए, ठीक है। तो गाइस यहाँ पर आपके सामने कुछ स्टेप्स इंटरफेस आएगा, अब आपको यहाँ पर करना क्या है ये देख लीजिए। तो यहाँ पर थोड़ा सा नीचे आना है और यहाँ पर दोस्तों एक साइट का ऑप्शन आपको देखेगा, दूसरा ऐप का, तीसरा एफिलेट का। अगर आपको कोई ऐप है ना तो आप यहाँ पर ऐप के लिए भी इसका जो है एडवर्टाइजमेंट कर सकते हो, ठीक है। ऐप में भी इस ऐड का एडवर्टाइजमेंट कर सकते हो। अगर आपकी साइट है तो यहाँ पर भी साइट के लिए भी कर सकते हो, दोनों में सेम प्रोसेस है, बस मैं आपको जो बता रहा हूँ वही करना है। अब फ्रेंड देखिए आपको करना क्या है कि यहाँ पर आपको जो भी ऐड सेलेक्ट करना चाहते हो वो कर लीजिए। मैं यहाँ पर सेलेक्ट करूँगा 336x280, ठीक है दोस्तों, यही सिलेक्ट करना है क्योंकि ये जो मेरी ऐड है ना ये इतनी ही है, ठीक है। बाकी बाकी अगर आपको बिल्कुल मतलब वर्टिकल चाहिए या हॉरिजेंटल चाहिए तो यहाँ पर आप अपने अकॉर्डिंग चेक कर लेना, ठीक है। सारा प्रीव्यू आपको आगे देखने को मिलेगा। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर आपको अपनी वेबसाइट का यूआरएल डालना है, या आप चाहें तो अपने जो भी आपका पोस्ट हो ना उसका यूआरएल यहाँ पर डाल सकते हो। जैसे कि मैं यहाँ पर ये मेरी वेबसाइट है, मैं सिंपली इसका यूआरएल यहाँ से कॉपी करता हूँ। ये फ्रेंड्स आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर फ्रेंड्स ऐड लगी हुई है तो ये ऐड ओपन हो रही है। या फ्रेंड्स आप क्या कर सकते हैं, आप यहाँ पर किसी पोस्ट को ओपन कर सकते हैं और पोस्ट को ओपन करने के बाद यहाँ पर आप उसका यूआरएल कॉपी कर सकते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पर केवल अपनी वेबसाइट का यूआरएल कॉपी करूँगा, कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पर उसको पेस्ट कर दूंगा। पेस्ट करने के बाद आपको थोड़ा सा नीचे आना है, नीचे आने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पर अगर आपको ज़्यादा अर्निंग करनी है तो यहाँ पर आपको इन सबको अनटिक करना पड़ेगा। अब मैं आपको बता दूँ कि ये है क्या। तो दोस्तों जैसे कि मान लीजिए अगर आप अपनी वेबसाइट में हाई पैसों की या हाई अथॉरिटी की जो ऐड है वो शो कराना चाहते हो तो आप इन सबको अनटिक कर दीजिए, ठीक है। अगर आपकी वेबसाइट के लिए हाई अथॉरिटी जो एडवर्टाइजमेंट होंगे वो अवेलेबल होंगे तो आपकी वेबसाइट में ज़रूर शो होंगे। लेकिन अगर आप लोग अपनी हाई अथॉरिटी की नहीं करा करके बल्कि सभी प्रकार की जो है ऐड अपने उसमें वेबसाइट में शो कराना चाहते हो तो आप इन सब पे टिक रहने ही देना, ठीक है। अगर आप इन सब पे टिक कर दोगे तो यहाँ पर आपको पर क्लिक पर इतने रुपए मिलेंगे, ठीक है। आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं, मैं यहाँ पर आपको इनको कन्वर्ट करके दिखा देता हूँ। जैसे कि मैंने इसको यहाँ से कॉपी किया, कॉपी करने के बाद मैं आ गया यहाँ पर आप गूगल में, यहाँ पर मैंने कंट्रोल वी से पेस्ट किया और मैंने यहाँ पर बिटकॉइन 2INR, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको बिल्कुल प्रूफ के साथ सबको दिखा दूंगा। तो यहाँ पर आपको पर क्लिक 0.38 रुपए मिलेंगे, लेकिन ये इतने से आपका काम बनेगा नहीं, आई नो। तो यहाँ पर आपको करना क्या है कि आपको इन सारे जो टिक है ना इनको सबको अनटिक कर देना है, ठीक है। तो जैसे आप इन सबको अनटिक करोगे अब आपको पर क्लिक कितना मिलेगा, पर क्लिक आपको इतना मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको इसको भी कन्वर्ट करके आप दिखा देता हूँ। तो मैंने यहाँ पर पेस्ट किया, एंटर प्रेस किया, तो पर क्लिक फ्रेंड्स यहाँ पर आपको 0.50 पैसे मिलेंगे। ये है मिनिमम ऐड का, ठीक है। यानी कि जो लो लेवल की ऐड होगी उस पर इतना मिलेगा और जो हाई लेवल की ऐड होगी उस पर आपको इतना मिलेगा, ठीक है। अगर आपकी वेबसाइट में हाई लेवल की ऐड शो होती है तो यहाँ पर आपको पर क्लिक, यानी कि अगर कोई आपके ऐड पर क्लिक करता है तो पर क्लिक यहाँ पर आपको 9 से 10 रुपये आसानी से मिल जाएंगे। तो दोस्तों बहुत ही अच्छी वेबसाइट है, सॉरी बहुत ही अच्छा ऐड नेटवर्क है, इसको जरूर से यूज़ करना, ठीक है। अगर आप ब्लॉगर हैं, न्यू ब्लॉगर हैं, इसके लिए फ्रेंड्स कोई भी डोमेन परचेज करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अगर आप blogspot.com पर भी अप्रूवल लेंगे ना तब भी मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। मैं तो फ्री डोमेन यूज़ कर रहा हूँ, आपने देखा ही होगा .ml यहाँ पर लास्ट में, ठीक है। अगर blogspot भी होता तब भी यहाँ पर अप्रूवल हमें मिल जाता। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर हमें आई एम नॉट अ रोबोट इस पर क्लिक करना है और ये जो कैप्चा आएगा इसको वेरीफाई कर लेना है, ठीक है। तो फटाफट से मैं कैप्चा को वेरीफाई कर लेता हूँ। कैप्चा वेरीफाई करने के बाद यहाँ पर आपको क्रिएट ऐड यूनिट पर क्लिक कर देना है। तो जैसे वहाँ पर क्रिएट ऐड यूनिट के बटन पर क्लिक करोगे तो
तो गाइस यहाँ पर आपके सामने कुछ इस टाइप से इंटरफेस आ जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर जो आपको ऊपर कोड देख रहा है ना, इसको डायरेक्ट कॉपी मत करना है, ठीक है, इसको डायरेक्ट कॉपी नहीं करना है आपके लिए। आप चाहे तो यहाँ से कर सकते हो, बट यहाँ से रिकमेंडेड करता हूँ मैं आपको यहाँ से मत करना। यहाँ पर आपके लिए ऐड यूनिट डिटेल, इस पर आपको क्लिक कर लेना, ठीक है। तो जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर फ्रेंड्स जो है कुछ इस टाइप से इंटरफेस आ जाएगा। अब आपकी वेबसाइट का यहाँ पर URL आ गया और यहाँ पर डेली इनकम आपको शो हो जाएगी, आप इस ऐड से कितना कमा रहे हो, ठीक है, सब कुछ यहाँ पर आपको शो हो जाएगा। अब फ्रेंड्स थोड़ा सा नीचे आओगे तो नीचे आने के बाद यहाँ पर आप अपनी ऐड का प्रीव्यू देख सकते हो। अब फ्रेंड्स मैं आपको बता दूँ कि जैसी ऐड मेरी इस वाली वेबसाइट में यहाँ पर शो हो रही है, ये ऐड शो होने में करीब करीब 24 घंटे लग जाते हैं, ठीक है। तो आप ये मत समझना कि आपने तुरंत ऐड मतलब ऐड कोड यूनिट जो है ऐड कर दी अपनी वेबसाइट में और तुरंत ही ऐड शो होने लगे, नहीं दोस्तों, यहाँ पर 24 घंटे के बाद ये जो ऐड होगी आपकी अपडेट होगी। यहाँ पर प्रीव्यू आपने देख लिया है, कुछ स्टेप से ऐड शो होगी, ठीक है। ऐसे करके आप अपने अकॉर्डिंग जो ऐड है उसकी लेंथ विड्थ को सेट कर सकते हो। अब फ्रेंड्स यहाँ पर आपको करना क्या है कि यहाँ पर आपको इस सारे कोड को कंट्रोल ए से क्या करना है, कॉपी कर लेना है, ठीक है। मैं इसको कंट्रोल ए से कॉपी करता हूँ और कंट्रोल सी से कॉपी करता हूँ, कंट्रोल ए से सेलेक्ट करता हूँ, दोस्तों मिस्टेक हो जाती है कभी कभी। तो यहाँ पर मैंने इसको जो है कॉपी कर लिया है कोड को। अब आना है हमें अपने ब्लॉगर में, ब्लॉगर में आने के बाद हमें जाना है लेआउट के सेक्शन में। फ्रेंड्स पोस्ट के अंदर कैसे ऐड करना है ये भी मैं आपको बताऊंगा। फ्रेंड्स मैं केवल ब्लॉगर वालों के लिए बता रहा हूँ, वर्डप्रेस वाले भी ऐड कर सकते हैं, तो वर्डप्रेस के लिए अगर आप कहेंगे तो डेफिनेटली मैं उस पर भी वीडियो बना दूंगा आपके लिए, ठीक है, डोंट वरी। अब फ्रेंड्स यहाँ पर मैंने किसी एक ऐड गैजेट पर मैंने यहाँ पर क्लिक किया और क्लिक करने के बाद मैं यहाँ पर इस ऐड कोड को पेस्ट कर दूंगा। तो उसके लिए हमें यहाँ पर HTML JavaScript इस पर क्लिक करना है हमको, ठीक है। क्लिक करने के बाद हमें यहाँ पर उस कोड को पेस्ट कर देना है, पेस्ट करने के बाद यहाँ पर आपको सेव पर क्लिक कर देना है, ठीक है। तो जैसे आप यहाँ पर सेव पर क्लिक करोगे, यहाँ पर सेव अरेंजमेंट पर आप क्लिक कर सकते हो। अब यहाँ पर आपको एक बार आना है अपनी वेबसाइट में, उसको रिफ्रेश कर लेना है, ठीक है। तो अब आपके सामने यहाँ पर ऐड जो होगी उसका जो खाली स्थान होगा ना, फिल इन द ब्लैंक्स बोलते हैं आप उसको, वो यहाँ पर छूट जाएगा क्योंकि ये ऐड शो होने में टाइम लगेगा, ठीक है। तो ये तो ऐड तो मेरी पुरानी वाली है, इसमें भी थोड़ा इफेक्ट पड़ चुका है, कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ, ठीक है। फ्रेंड्स मेरे वेबसाइट में पॉप ऐड भी लगी, तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं ये मेरी पुरानी वाली ऐड थी और ये मैंने जस्ट अभी ऐड लगाई है, ठीक है। तो इस तरीके से आपकी जो ऐड होगी वो शो होगी जैसे कि नीचे हो रही है, ठीक है। और फ्रेंड्स ये जो ऐड है ना ये 24 घंटे में अपडेट होगी, हो सकता है जल्दी हो जाए, 24 घंटे से ज़्यादा टाइम बिल्कुल भी आपका नहीं लगेगा, ठीक है। तो आप चाहें तो मेरी वेबसाइट को जब मैं वीडियो ख़त्म कर दूंगा उसके बाद आप यहाँ पर आकर के देख लेना, ऐड 100% शो हो रही होगी। तो फ्रेंड्स यहाँ पर अब आपको मैं बता दूं कि आपको पोस्ट के अंदर कैसे ऐड को पेस्ट करना है। तो यहाँ पर सिंपली मैं गया पोस्ट के अंदर, जैसे कि फ्रेंड ये तो मेरी मूवी वेबसाइट है, ठीक है। अगर आपको कोई आर्टिकल है तो आपको करना क्या ये देख लीजिए, जैसे कि मैंने यहाँ पर एडिट पर क्लिक किया, या जब आप आर्टिकल लिख रहे होंगे तो आपको क्या करना है मैं आपको बता देता हूँ। दोस्तों बहुत ही सिंपल है, बस एक बार सीख लो, आपको कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो ये मैंने जैसे कि यहाँ पर ओपन करा, अब मैं यहाँ पर HTML पर क्लिक करता हूँ, तो आपको यहाँ पर HTML पर ही क्लिक कर देना है। बट उससे पहले मैं यहाँ पर कंपोज पर आऊँगा और यहाँ पर मुझे जहाँ पर कोड पेस्ट करना है मैं वहाँ पर एरिया सेलेक्ट कर लूँगा, जैसे कि मुझे यहाँ पर इसके नीचे कोड पेस्ट करना है, ठीक है। कहाँ पर, यहाँ पर मेरे को कोड पेस्ट करना है यहाँ पर, ठीक है। तो मैं आऊँगा एडिट HTML पे और एडी HTML पर आने के बाद मैं यहाँ पर कोड को पेस्ट कर दूंगा। एक मिनट मुझे दिख नहीं रहा है कहाँ पर है ये, तो फ्रेंड्स मैं यहाँ पर इसको कहीं पर ही पेस्ट कर देता हूँ, एंटर मार करके कंट्रोल बी से मैंने इसको पेस्ट किया, क्योंकि यहाँ पर ये जो आर्टिकल नहीं है ना ये मूवी वेबसाइट है तो इसमें ठीक से शो नहीं हो रहा है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो हमारी ऐड है यहाँ पर शो होने लगी, ठीक है। अब मैं इसको अपडेट करता हूँ और फिर हम इसका प्रीव्यू चेक करेंगे, ठीक है। तो ये अपडेट हो गई, अब मैं इसको व्यू करता हूँ और व्यू करने के बाद यहाँ पर देखते हैं कि ऐड हमारी हो रही है शो नहीं। तो यहाँ पर फ्रेंड्स आप देख सकते हैं ये जो ऐड है हमारी ये 24 घंटे के अंदर अंदर यहाँ पर अपडेट हो जाएगी। तो इस तरीके से आप पोस्ट के अंदर जितनी ज़्यादा ऐड हो सके उतनी ऐड कर सकते हो। अब फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि आपको ये नहीं करना है कि आपने खुद से क्लिक किया, ठीक है, आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि फ्रेंड्स बहुत ही बड़े बड़े जो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग होती है वो इन ऐड नेटवर्क को संभालती है, तो आपको बिल्कुल भी खुद से क्लिक नहीं करनी है, ठीक है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर बाकी तो सब कुछ आप समझ ही गए होंगे। और यहाँ पर विड्रॉल लेने का सिस्टम भी बहुत ईजी है, कोई तो यहाँ पर विड्रॉल कैसे लेंगे, बिटकॉइन में लेना होगा आपको, बिटकॉइन का एड्रेस ईजिली इसमें वेबसाइट में पेस्ट कर देना है, ठीक है। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर मैं आपको दिखा दूँ कि विड्रॉल लेना कैसे आपको। Thank you.
सो गाइस, विड्रॉल लेने के लिए आपको आना होगा डैशबोर्ड में, अपने जो आईडी नेटवर्क है उसके डैशबोर्ड में आना होगा। और आने के बाद फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको करना क्या है कि ये जो विड्रॉल फंड दिख रहा है ये आपका तभी एक्टिव होगा जब यहाँ पर आपका मिनिमम अमाउंट इतना हो जाएगा, ठीक है। तो जैसे आपका मिनिमम अमाउंट इतना हो जाए तो आप क्या करेंगे, आप BTC में जो है अपना अमाउंट यहाँ पर ले सकते हो, ठीक है। ये यहाँ पर आपके लिए मिल जाएगा। तो यहाँ पर आप विड्रॉल फंड पर क्लिक करके जो आपका BTC एड्रेस है ना वो यहाँ पर डाल के अपना विड्रॉल ले सकते हो, और इंस्टेंटली आपको ये वेबसाइट विड्रॉल दे देगी, ठीक है। तो बाकी सब कुछ तो आप समझ ही गए होंगे, ठीक है। एक बार मैं इसको रिफ्रेश करके आपको दिखा देता हूँ कि यहाँ पर आपने जो एड यूनिट क्रिएट करी होगी वो यहाँ पर आपको शो हो जाएगी, ठीक है। तो ये आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये मेरी एड यूनिट है ये, और यहाँ पर ये शो होने लगी है, ठीक है। तो इस तरीके से ये एड यूनिट शो होगी, और जिससे जितनी भी अर्निंग आपकी बनेगी वो सारी यहाँ पर शो हो जाएगी, ठीक है। और यहाँ पर भी शो होने लगेगी जितने भी आपका बैलेंस होगा। मिनिमम विड्रॉल इतना करना है और इजीली आप विड्रॉल ले पाओगे। तो फ्रेंड्स, ये कंप्लीट रिव्यू था आ एड्स वेबसाइट का। और जो लोग बिटकॉइन में अर्निंग करना चाहते हैं तो वो इस वेबसाइट पर आकर के जरूर देखें, एक बार जरूर विजिट करें इस पर। बाकी फ्रेंड्स, अगर आपको किसी अदर टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो आप कमेंट करके बता देना। और फ्रेंड, वीडियो में सिर्फ इतना ही, अगर वीडियो में कुछ समझ में नहीं आया तो कमेंट कर देना। बाकी टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, उसको ज्वाइन जरूर कर लेना। वहाँ पर इसी टॉपिक पर हम बात करेंगे कि आपको क्या करना है, किस तरीके से अर्निंग करनी है, ठीक है। तो टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लेना। तो फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।